हाय गाइस, वेलकम टू एडुकेटन। गाइस, इस वीडियो में रोल ऑफ वुमेन इन फ्रीडम मूवमेंट में डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर वन, जो बिहार का जीएस पेपर वन है, बीपीएससी 66 के लिए सब टॉपिक अपलोड हो रहे हैं, और किसी भी मेंस में, बीपीएससी के किसी भी मेंस में 66 हो, 67 हो, अपकमिंग जितने भी मेंस आएंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इस चीज़ को। तो जीएस पेपर वन का सेक्शन वन चल रहा है फ्रेंड्स, जिसमें आर्ट्स एंड कल्चर्स और हिस्ट्री है। तो आर्ट्स एंड कल्चर्स और हिस्ट्री के बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड हो चुके हैं, और कुछ वीडियोस बचे हैं जो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। करेंट का अलग से ही चल रहा है, बिहार के पेपर वन में सेक्शन वन का करेंट्स के कुछ टॉपिक हैं सिलेक्टेड, उस पर अलग से वीडियोस बनाकर डाला जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोग चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर किया कीजिए फ्रेंड्स, और कमेंट्स भी क्या कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, और ताकि पता चले कि मेरा वीडियोज़ आप लोगों को फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर कुछ इंप्रूवमेंट्स करना है तो प्लीज़ उसको भी बताइए। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए फ्रेंड्स, एक्चुअली वीडियो आप लोग देखते नहीं, व्यूज़ कम आते हैं, टाइम स्पेंड कम होता है, तो पूरा देखा कीजिए, बीच में मत छोड़ा कीजिए। ये फ़ायदा के लिए बनाते हैं, बहुत मेहनत लगता है फ्रेंड्स। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, रोल ऑफ वुमेन में इन इंडिया में। फ्रेंड्स, रोल ऑफ वुमेन इन बिहार के बारे में पढ़ना है। अब जिस प्रकार से रोल ऑफ वुमेन इन बिहार है, तो भारत में जिस प्रकार से पुरुष का जो भूमिका रहा है आज़ादी में, जो पुरुष का भूमिका रहा है, जिस प्रकार से मेल का भूमिका रहा है, उसी प्रकार से फीमेल का भी भूमिका रहा है। महिलाएं हमेशा कदम से कदम और कंधों से कंधों मिलाकर चली है पुरुषों के साथ। महिलाएं कभी भी किसी फील्ड में पुरुषों से पीछे नहीं रही है। तो उसी प्रकार आज़ादी की लड़ाई में भी वो कैसे पीछे रह जाती, क्योंकि आपको पता है ना फ्रेंड्स कि अभी भी देख लो इंडिया में, या फिर किसी वर्ल्ड के किसी कोने में कहीं देख लो, किसी भी फील्ड में महिलाएं कहीं पीछे नहीं रही है। अब रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको भी बराबर का हक है, और होना भी चाहिए, क्योंकि मतलब आपको पता होगा ना कि नेचर को चलाने का, सृष्टि का चलाने का सबसे मतलब हक महिलाओं को ही दिया गया है। अगर महिलाएं नहीं रही इस धरती पे, फिर महिलाएं हमारे समाज में नहीं रहेगी, तो शायद इस सृष्टि का निर्माण पॉसिबल नहीं है, फिर नेचर का निर्माण पॉसिबल नहीं है, सोसाइटी का निर्माण पॉसिबल नहीं है, या फिर जितने भी चीज़ देख रहे हैं वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि महिलाएँ देवी की रूप होती है, चाहे वो किसी फिल्म में रहे, कहीं भी रहें। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं महिलाएँ के रोल, जिस प्रकार से भारतीय स्तर पे या भारत के स्तर पे महिलाओं का रोल आज़ादी की लड़ाई में रहा, उनका भूमिका आज़ादी की लड़ाई में रहा, उसी तरह से महिलाओं की भूमिका बिहार के स्तरों पे भी रहा। बिहार के भी कुछ महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर आज़ादी की लड़ाई में पार्टिसिपेट की, भूमिका निभाई, मतलब अन्य प्रकार की भूमिकाएँ थी। कोई ठीक है, कोई मतलब ट्रेनिंग दे रही है, तो कोई साल्ट बनाने में मदद कर रही है, तो कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं, तो कोई स्कूल में टीचर्स की भूमिका ले रही थी, या फिर बहुत प्रकार की अन्य प्रकार की भूमिकाएं थी, कोई फंड इकट्ठा करने में लगी हुई थी फ्रेंड्स। ओके, तो देखते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आगे के स्लाइड्स पे। फ्रेंड्स, ये कुछ प्रोमिनेंट वुमेन हैं जो इंडिया में थी, बिहार की थी, अन्य जगहों पर थी। आप लोग थोड़ा सा इनका फ़ोटो देख लीजिए, और हो सके तो इनके बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा स्लाइड्स को रोक कर। आप लोगों को कुछ का नाम भी यहाँ पता चल ही रहा होगा, जैसे ये उषा मेहता जी हैं, ये लक्ष्मीबाई जी हैं, ये सब हैं। उसके बाद ये कमला नेहरू जी हैं, उसके बाद ये सुचिता कृपलानी जी हैं, ये मैडम कामा हैं, आपको पता होगा ना, जर्मनी के स्टुअर्ट में जो झंडा फहराई थी वो मैडम कामा ही जी थी। ओके फ्रेंड्स, अब थोड़ा इंट्रोडक्शंस देख लेते हैं। इंट्रोडक्शंस किसी भी आंसर्स को लिखने से पहले, इंट्रोडक्शंस, बॉडी और कंक्लूजन, तीन पार्ट्स होता है, बात को आपको पता होना चाहिए। और बॉडी में आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लिख सकते हैं, अलग अलग प्रकार की चीज़ें जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होगी। ओके, लेकिन इंट्रोडक्शंस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, कंक्लूजन थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, जिससे आप अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शंस देखते हैं फ्रेंड्स। इंट्रोडक्शंस में है क्या कि इंडिया में जो वुमेन का पार्टिसिपेशन था ना, वो ऐसा नहीं था कि 1857 से शुरू हुआ, या फिर 1857 के बाद शुरू हुई, या फिर जो मॉडर्न नेशनलिज्म जब शुरू हुआ तब का शुरू हुआ, या फिर आज़ादी का जो नेशनलिज्म का फेज था तब शुरू हुआ, ऐसा नहीं था। ये 1857 से बहुत पहले भी इंडिया की लड़ाई में जो थी भूमिका महिलाएं निभाते रही है, चाहे वो किसी फील्ड में हो, चाहे वो ट्रैवल वूमेन हो, या फिर कोई घरेलू महिला हो, या फिर सिविलियन वूमेन हो, कोई भी किसी प्रकार के, किसी भी कोई फार्मर हो, कहीं भी, अभी भी देख लो ना, फार्मर का प्रोटेस्ट हो रहा है तो महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है। ऑफकोर्स ये प्रोटेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही होगा, खैर छोड़िए इन सब चीज़ों के बारे में क्या बात करनी, अपन इस पर ध्यान करते हैं जो हम लोगों के काम के हैं। ओके, तो इंडिया का जो वुमेन है वो सन्यासी रिवेलियन से ही पार्टिसिपेशन शुरू कर दी थी। कब से? सन्यासी रिवेलियन से ही इंडिया का वुमेन पार्टिसिपेशन शुरू कर दी। सन्यासी रिवेलियन में एक महत्वपूर्ण महिलाएं थी, देवी चौधरानी नाम है जिनका, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ये सबसे प्रथम महिलाओं, मतलब जो रिकॉर्डेड है उसमें देवी चौधरानी जी जो हैं, अंग्रेज के खिलाफ इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी सन्यासी रिवेलियन में। कब? सन्यासी रिवेलियन में। और सन्यासी रिवेलियन हुआ कब था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, 1763 से 1820
20 तक चला था, मतलब 1763 से लेकर 1820 तक ये चला था। उसी के जगह उसी रिवेलियन में देवी चौधरानी जी ने बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई थी। उसके बाद रोल ऑफ वुमेन जो था ना, अप्रिशिएबल इन द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट आफ्टर 1857, मतलब 1857 के क्रांति के बाद रोल मतलब वुमेन का पार्टिसिपेशन बिहार में बढ़ चढ़ कर होने लगा, बिहार में होने लगा, भारत के स्तर पर होने लगा, हर एक जगह होने लगा, मतलब पार्टिसिपेशन बढ़ गया, उनके कार्य को सहारे जाने लगा, अप्रिशिएट करने जाने लगा, उनके वैल्यूर को रिस्पेक्ट दिया जाने लगा, मतलब इस प्रकार की काम शुरू हो गई। और उन्होंने भी शोल्डर टू शोल्डर मतलब कदम कंधे से कंधे मिलाकर काम करना शुरू कर दी जनसों के साथ। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन के बारे में, यहाँ से बॉडी शुरू होती है हम लोगों की, कि पार्टिसिपेशन ऑफ बिहार वुमेन ऑफ बिहार इज टू पार्ट, मतलब बिहार की वुमेन जो थी ना 1857 के क्रांति के बाद थोड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी आज़ादी की लड़ाई में। और ये तब देखा गया जब भारत बिहार में गांधी जी गए, कब गए गांधी जी आपको पता होगा ना, सबसे पहले बिहार में गांधी जी 1917 में गए थे जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उन्हीं के दौरान जब वो बिहार गए और उनके साथ जब कस्तूरबा बाई भी गई थी, कस्तूरबा गांधी जो थी, सॉरी फ्रेंड, कस्तूरबा गांधी मतलब एक महात्मा गांधी जी की पत्नी हुआ करती थी, ओके, कस्तूरबा माँ, तो कस्तूरबा जी भी गए थे, तो उन्होंने जाकर वहाँ वुमेन को मतलब अवेयर की, मोटिवेट की कि आप लोग भी इस आज़ादी की लड़ाई में आइए, बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। तो इनके मोटिवेशन या फिर उनके अवेयरनेस से बहुत सारे वुमेन ने मतलब बिहार के बहुत सारी महिलाएं ने बढ़ चढ़ कर आज़ादी की लड़ाई में भाग लेने आ गई, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट वुमेन हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, सरला देवी हैं, राधिका देवी हैं, प्रभावती देवी हैं, उसके बाद और भी हैं कुछ वुमेन्स का नाम और भी है। तो ये लोग आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी और ये लोग अपने मतलब योगदान देने के लिए तैयार हो गई और आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना शुरू कर दिया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद है क्या, मतलब इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जब खिलाफत आंदोलन से ही कुछ महिलाओं का भागीदारी शुरू हुआ, मतलब खिलाफत से लेकर जो भारत छोड़ो की लड़ाई तक या फिर उसके बाद तक भी, मतलब अभी तक भी है, ऑफ कोर्स अभी तक है, लेकिन खिलाफत से लेकर 1947 तक बिहार में महिलाओं की भूमिका, या फिर 1917 से लेकर 1947 तक बिहार में महिलाओं की भूमिका चरम सीमा पर रही और उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा रहा। और एक तरह से कह सकते हैं उनके वर्क को, उनके काम को, उनकी योगदान के, उनके कंट्रीब्यूशंस को बहुत ही ज़्यादा सहारा गया और बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका अहम भी रही। शायद आज महिलाएं हमारे साथ उस लड़ाई की भूमिका में नहीं होती तो शायद आज़ादी मिलना थोड़ा सा दिक्कतें हो जाती है, थोड़ा मुश्किल भी हो जाता, थोड़ा लेट भी मिलता। ओके फ्रेंड्स, तो 1857 सॉरी खिलाफत आंदोलन में महिलाएँ थी, कुछ प्रोमिनेंट महिलाएँ थीं जैसे अमीनो बानो बेगम, ये जो खिलाफत आंदोलन के प्रोमिनेंट लीडर थे फ्रेंड्स। कौन से उनके प्रोमिनेंट लीडर थे फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन, थोड़ा याद कीजिए फ्रेंड्स, खिलाफत आंदोलन के प्रोमिनेंट लीडर कौन थे आप लोग बताइएगा कमेंट्स में लिखकर, मैं ऐसे भी बता देता हूँ। वो दो प्रोमिनेंट लीडर थे खिलाफत आंदोलन के, मोहम्मद अली और शौकत अली। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। ओके, उन्हीं की माँ थी अमीनो बानो बेगम। इन्होंने बिहार के अन्य जिलों में जाकर, जैसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स गए, पटना गए, मुंगेर गए, दरभंगा गए, भागलपुर गए, बिहार शरीफ गए, अन्य जिलों में जाकर इन्होंने खिलाफत आंदोलन के लिए फंड रेज की, क्या की? फंड रेज की और महिलाओं को मोटिवेट की, महिलाओं को मोटिवेट की कि आप लोग भी जो ये आज़ादी की लड़ाई चल रही है उसमें आकर पार्टिसिपेट कीजिए, एंड सी मोटिवेटेड अदर वुमेन टू पार्टिसिपेट इन फ्रीडम मूवमेंट। ओके फ्रेंड्स, उन्होंने अन्य महिलाओं को भी मोटिवेट किया कि आज़ादी की इस लड़ाई में आइए और भागीदारी निभाइए। उसके बाद आता है नन कॉरपोरेशन मूवमेंट, जिसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन फ्रेंड्स? असहयोग आंदोलन। खिलाफत के बाद आती है असहयोग आंदोलन, जो 1920 से लेकर 1922 तक चला था, और जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था उस समय गांधी जी ने इसको खत्म बंद कर दिया था। ओके, उस समय गांधी जी ने इसको रिवर्स कर दिया था। तो उस समय खिलाफत आंदोलन में भी बहुत सारे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ली, वुमेन को अवेयर करने की भाग की भाग मतलब अवेयर करने में भी भाग ली। उसके बाद वुमेनों को बोले बोला बोली कि भैया पर्दा को हटाओ और ये जो सोशल एविल्स है इसको त्यागो, इस सोशल एविल्स को त्यागो और आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर भाग लो, तभी अंग्रेजों के खिलाफ हमें आज़ादी मिलेगी, इस चोटे अंग्रेज को यहाँ से मार भगाओ। ओके, उसमें कुछ प्रोमिनेंट महिलाएं थी जैसे सरला देवी हो गया, अमला मुखर्जी हो गई, कदम बन्नी गांगुली जी थी, ये लोग प्रोमिनेंट महिलाएं थी फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद सरला देवी स्टूडेंट्स को भी कन्विंस्ड की कि भैया आप स्कूल को, सॉरी यहाँ स्कूल हो जाएगा फ्रेंड्स, डबल हो जाएगा, मिस्टेक, क्षमा चाहता हूँ फ्रेंड्स, SCHOOL, ओके, स्कूल में ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स। एंड कॉलेज से भैया आप लोग स्कूल कॉलेज का समय अभी अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है, आप लोग पहले आज़ादी की लड़ाई में कूदो और साथ साथ पढ़ाई भी जारी रखना। ओके,
उसके बाद श्रीमती दास एंड उर्मिला देवी पटना की थी, उन्होंने भी चरखा को पॉपुलराइज करने और स्वदेशी गुड्स के बारे में आदमी को अवेयर की। उसके बाद महिलाओं को अवेयर करने लगी कि देखिए आप जो स्वदेशी गुड्स है उसका इस्तेमाल कीजिए, महिलाएं लोग चरखा चलाइए और अपना पहनने का वस्त्र खुद बुनिए और पुरुषों के लिए भी वस्त्र बुनिए। ओके फ्रेंड्स, तो ये सब था। उसके बाद आगे देखते हैं, उसके बाद गांधी जी जब बिहार विजिट किए, गांधी जी जब बिहार विजिट किए और उन्होंने बिहार को तब मतलब फ्रीडम मूवमेंट के लिए जब वो बिहार विजिट किए थे, तो बिहार की महिलाएं ने फंड कलेक्शंस के लिए बिहार गए थे फ्रेंड्स। ओके, जब गांधी जी फंड्स कलेक्शंस के लिए बिहार गए थे तो बिहार की महिलाओं ने अपना ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी जो होता है ना, श्रृंगार, आप समझ सकते हैं किसी महिलाओं के लिए अपना ज्वेलरी देना क्या बात होगा, वो वही समझ सकते हैं जिन महिलाओं को पता हो ये कि भाई ज्वेलरी देना बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन बिहार की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग ली ज्वेलरी डोनेशन में और ऑर्नामेंट डोनेशंस में, और अपने ज्वेलरी और फिर ज्वेलर मतलब जितने भी सोने और चांदी के ज्वेलर्स थे या ज्वेलरी थे उनको डोनेट कर दी और दान में दे दी कि चलिए इस फंड्स का इस्तेमाल कीजिए, इसको बेच कर आप लोग इस्तेमाल कीजिए। ओके, उसके बाद ड्यूरिंग CDM मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जिसको स्वाविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्वाविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक शुरू हुआ था फ्रेंड, ध्यान बताइए। तो स्वाविनय अवज्ञा आंदोलन इस बार BPSC पूछा था कि स्वाविनय अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला, मतलब नमक सत्याग्रह कितने दिन, 24 दिन तक। तो कब से कब तक चला फ्रेंड्स, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ध्यान रखिएगा 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक। वुमेन प्रोवाइडेड टू द सेकेंड लाइन फॉर द कमांड, मतलब इसमें महिलाओं का भी सेकेंड लाइन कमांड के तरह उन्होंने अपना योगदान दिया कि चलो ठीक है, पुरुष लोग को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो महिलाओं ने भी नमक बनाने में बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाई। ओके फ्रेंड, जिसमें सरोजनी नायडू जी भी थे, मतलब वो बिहार से नहीं थी ऑफकोर्स, गांधी के साथ थी, लेकिन बिहार की भी बहुत सारी महिलाओं ने उसमें पार्टिसिपेशन दी। और इवन जो महिलाएँ थी ना, जो महिलाएँ थी नोबेल फैमिली की भी महिलाएँ भी इन सब इन लड़ाइयों में कूद पड़ी कि नहीं भैया अब हमें घर में रहने का समय नहीं है, अब आज़ादी की लड़ाई में हम भाग लेंगे, क्या करेंगे अब हम आज़ादी की लड़ाई में भाग लेंगे। नोबेल फैमिली जो बड़े घराने की बहुएं बेटियां हुए करती थी, वो लोग भी इस लड़ाई में कूद पड़ी। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे क्या है। जैसे कि अब नोबेल फैमिली की कुछ महिलाएँ थी, जैसे कि श्रीमती मेहरोत्रा थी, गौरी दास थी, श्रीमती सी आर दास जी की पत्नी थी, श्रीमती हसन इमाम की पत्नी थी, माधुरी देवी हैं, ये लोग महिलाएं एक्टिवली पार्टिसिपेट की और मतलब जो विदेशी वस्तुएं थी उसको नकारने या फिर उसको बॉयकॉट करने में बहुत ज़्यादा योगदान दी, फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करने में योगदान दिया। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद 26 जनवरी 1930 को जब कांग्रेस ने ये प्रावधान दिया था, 1929 को, कब प्रावधान लिया था, 1929 को, 1929 लाहौर सेशन को जवाहरलाल जे एल नेहरू जी ने प्रिजाइड किया था, संबोधित किया था। लाहौर सेशन का अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने इस सेशन में स्वराज का प्रावधान रखा था। किसका प्रावधान रखा था, पूर्ण स्वराज का प्रावधान हुआ कि भैया अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, और इंडिपेंडेंस डे मनाने का भी घोषणा किया गया कि कौन सा डे, इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्रता दिवस, और स्वतंत्रता दिवस मनाने का घोषणा कब था, 26 जनवरी 1930। उसी के वजह से हमारा जो संविधान दिवस जो रिपब्लिक डे था आज 26 जनवरी को, वो 26 जनवरी इसी वजह से रोज मनाया जाता, मतलब 26 जनवरी हर एक साल को मनाया जाता है, और उसी दिन को संविधान दिवस के रूप में ही एक तरह से गणतंत्र दिवस को मनाया गया। ओके, अब कांग्रेस जब डिसाइड किया था कि मुझे इंडिपेंडेंस डे पे मतलब इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना है, तो बिहार की एक महिला थी गौरी दास, कौन मैं कौन क्या नाम था उनका, गौरी दास, उन्होंने ट्राइकलर पटना में होस्ट की थी, अपना तिरंगा झंडा पटना में लहराई थी। गौरी दास के नेतृत्व में तिरंगा झंडा पटना में लहराया गया था 26 जनवरी 1930 को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन और भी थोड़ा बढ़ चढ़ कर रहा। एक रामस्वरूप देवी थी भागलपुर की, वो एक तरह से क्रांतिकारी लेडी थी, उन्होंने महिलाओं को डोमेस्टिक जो घरेलू महिलाओं थी उनको मोटिवेट की और उनको मतलब एक तरह से कह सकते हैं उनके उनके अंदर ज्वाला, आज़ादी की ज्वाला भरी और बोली कि जागो बहनों जागो, ये वक्त सोने का नहीं है, ये वक्त सोने का नहीं है, जागो आप नींद से जागो, बी अवेकन्ड सिस्टर बी अवेकन्ड, बिकॉज दिस टाइम आर कंट्री इज़ इन क्राइसिस, मतलब हमारा जो कंट्री है वो क्राइसिस में है, संकट में है, तो इसीलिए हमें घर में बंधे रहना या फिर घर में बैठना सूट नहीं करता है, आप लोग बाहर निकलिए उस लड़ाई के आज़ादी की लड़ाई में भाग लीजिए। उसके बाद ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, ये क्विट इंडिया मूवमेंट मतलब फ्रेंड्स भारत छोड़ो आज़ादी, भारत छोड़ो आंदोलन। ओके,
भारत छोड़ो आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में भी बहुत सारे महिलाओं ने पार्ट लिया। ध्यान रखिएगा किस तरीके से हम कर रहे हैं शुरू से, मतलब एक इसी वे में लिखिएगा आप लोग भी आंसर। ऐसा नहीं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को पहले लिख दीजिएगा आप, फिर 1917 वाला जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था उसको बाद में लिख दीजिएगा, फिर सिविल डिसोबिडेंस को लिखिएगा, फिर नन कॉरपोरेशन को लिखिएगा। ये गलत तरीका है बिल्कुल, एक मतलब क्रॉनिकली चलना चाहिए। ओके, समय के अनुसार बढ़ते कदम या घटते समय। उसके बाद था क्या मूवमेंट सब, उसके बाद इन्होंने सब महिलाओं को भी मोटिवेट किए। उसके बाद उस समय कुछ अंडरग्राउंड एक्टिविटी भी चला, कुछ महिलाओं ने अंडरग्राउंड एक्टिविटी में पार्टिसिपेशंस की। ओके, कुछ महिलाओं ने तिरंगा लहराने में भी बढ़ चढ़ कर भाग ली। जैसे कि ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट सेवरल एक्टिविटीज शॉट डेड बाई पुलिस, मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान बहुत सारी महिलाएं जो थी उनको पुलिस ने गोली भी मार दी। ओके, उसके बाद भी इस घटना के बाद भी दिस ऑल्सो डिडन शेक दियर करेज एंड वैलो टू लिबरेट दियर होमलैंड फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द ब्रिटिश। मतलब ये ऐसा कह रहा है कि इवन दिस इंसिडेंट, मतलब इस घटना के बाद भी उनकी हिम्मत, उनकी शौर्य या फिर उनकी वीरता थोड़ा सा भी नहीं डगमगाया, उनका हिम्मत थोड़ा सा भी नहीं डगमगाया कि मुझे अब इस आज़ादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना है। लेकिन वो फिर भी इस घटना के बाद भी उन्होंने अपनी मतलब शौर्य और वीरता और एक तरह से कह सकते हैं हिम्मत को और बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद आज़ादी को लड़ाई में जुड़ी रही और फाइनली देश को आज़ाद करवाई। ओके फ्रेंड्स, अनदर वेरी प्रोमिनेंट वुमेन एक आशा सहाय जी थी, एक आशा सहाय जी थी फ्रेंड्स। इन्होंने मतलब एक आज़ाद हिंद फौज जो थे, अभी कुछ दिन पहले ही कल परसों आज़ाद सुभाष चंद्र बोस जी का 125वां बर्थ एनिवर्सरी था। ओके फ्रेंड्स, और सुभाष चंद्र बोस जी जो आज़ाद हिंद का फौज था जो गठन किए थे, उन्हीं में ये नर्सिंग मेंबर के रूप में काम की, क्या की नर्सिंग मेंबर के रूप में ये आशा सहाय जी काम की। उसके बाद इन्होंने इंडिया आया, उसके बाद जब इंडिया आई तो 1946 में इन्होंने बिहार के कुछ वुमेन को गोली चलाने की ट्रेनिंग दी, क्या हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी, भैया हथियार कैसे चलाते हैं उसकी ट्रेनिंग दी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद प्रभावती देवी जी थी फ्रेंड्स। ओके, प्रभावती देवी जी वो बहुत ही प्रोमिनेंट महिला थी, आपको पता होगा, जयप्रकाश नारायण जी की वाइफ थी शायद। उन्होंने जेल भी गई और ब्रिटिश की लाठियां भी खाई। उसके बाद ये सब करने के बाद उनकी हिम्मत कहीं से भी कम नहीं हुआ, उन्होंने देश की चलो आज़ादी की लड़ाई में तो भाग दी ही दी, उसके बाद भी उन्होंने इकोनॉमिकली सपोर्ट भी की बिहार को, इकोनॉमिकली सपोर्ट भी की। उन्होंने वुमेन चरखा कमीशन जो पटना में एस्टेब्लिश की थी, यही श्रीमती प्रभा देवी दी देवी जी ही वुमेन चरखा कमीशन पटना में एस्टेब्लिश की, ध्यान रखिएगा। उसके बाद सी एक्टिवली प्लेड टू प्रोवाइड वुमेन एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन अदर नेसेसिटीज़। अब उन्होंने वुमेन की शिक्षा, उसके बाद रोजगार और अन्य ज़रूरतें जी थी उनके लिए भी उन्होंने लड़ाई लड़ी और अन्य काम किए। उसके बाद है कि फ्रेंड्स थोड़ा सा कंक्लूड कर लेते हैं कि द वुमेन ऑफ बिहार प्लेड ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियन फ्रीडम टू सपोर्ट दियर कंट्री एंड ऑल्सो अवेयर वुमेन टू टेक एक्टिव पार्ट। मतलब बिहार की जो वुमेन थी वो तो अपने कंट्री के सपोर्ट के लिए आज़ादी की लड़ाई में भाग ली, उसके बाद भी अन्य कारण जो था कि भैया वुमेन को मोटिवेट करना, अवेयर करना, इकोनॉमिकली सपोर्ट करना, उसके बाद कंधे से कंधे मिलाकर काम करना, ये सब का भी उनका रोल रहा। उसके बाद भी वो अपने घर में जाकर अपने बच्चों का ध्यान रखती थी, अपने घर में जाकर अपने मतलब परिवार के लिए रोटी बनाना, ये सब भी काम उन लोगों का था। तो एक तरह से वुमेन का कंट्रीब्यूशन हमेशा किसी भी फील्ड में जेन से ज़्यादा ही रहा है, ध्यान रखिएगा आपका, जेन से ही ज़्यादा ही रहा। वुमेन ऑफ बिहार ऑलवेज वेंट विथ शोल्डर टू शोल्डर, वुमेन जो बिहार की थी हमेशा कंधों से कंधों मिलाकर चली है और चलते रहेगी। ओके फ्रेंड्स, चाहे किसी भी देश की वुमेन हो या फिर किसी भी राज्य की वुमेन हो, जरूरी नहीं है कि वो बिहार की वुमेन हो, चाहे किसी भी राज्य किसी भी देश की वुमेन हो, चाहे किसी भी तबके की किसी भी कम्युनिटी की महिलाएं क्यों नहीं हो, उनको हक है कि भैया वो अपनी ज़िंदगी फ्री जिए, वो उनको हक है कि वो अपना ज़िंदगी अपने तरीके से जिए, उनको उनको भी हक है कंट्री की किसी भी चीज़ में भाग लेने का, पार्टिसिपेट करने का, कॉन्ट्रीब्यूट करने का। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है आप लोग मेरा वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, पता नहीं क्यों नहीं देखते हैं, भगवान जाने, अब जो नहीं देखते हैं उनका शायद उनको पसंद नहीं आता होगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि भैया आप लोग जब तक फीडबैक नहीं देंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि वीडियो कैसा बना नहीं बना। तो आप लोग वीडियो को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्र को भी साथ शेयर कीजिए ताकि फ्रेंड्स मुझे मोटिवेशन मिलते रहे। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।